चलते चलते मंजिल का पता मिल जाएगा। आज नौसादरी मेरा, कल खुदा भी मिल जाएगा। आज हम सस्ते गालिब से मुलाकात कराते हैं। हाँ भाई, और एक और कहा ये कह रही है तू, कब तक छुपे हुई पत्ती के आड़ में? आ एक दिन तो छूट के बिक जाएगी सारा बाजार में। यार तब भाई साहब को नंबर है नहीं मालूम, वार्ड नंबर। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। खर्जंती भाई हमारे हैं। वाह वाह वाह, ये देखो सनी देवल, हमारे बिलरिया करके सनी देवल यही है। यही है बाड़ी ओड़ी देखना भैया, ये देख रहे हैं सनी देवल। अरे हमारे पूछी भाई, टिकटॉकर भाई, पबजी लवर। उठते होते भाई, अरे यार अभी हम लोग वार्ड नंबर 6 इकराम नगर में हैं, और इकराम नगर से होते हुए जा रहे हैं आगे। हमारा वार्ड कुछ इस तरह से है, पूरी गली सुनी नजर आ रही है, क्योंकि बरसात का टाइम है, सारे लोग पकौड़ी का मजा लेके घर में घुसे हुए हैं। पकौड़ी खा रहे हैं सब लोग, सारे लोग पकौड़ी खा रहे हैं, बच्चे सारे कॉलेज की तरफ गए हुए हैं, ये लोग दावत खाने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये छुट्टी की बारात जा रही है, और ये बच्चे जो है सवारा बनते जा रहे हैं। ये बारात जो जाएगा उसकी, अभी हम लोग यहाँ पे अपने इकराम नगर में खड़े हैं, और कैसर भाई मकान, खूबसूरत सा मकान बनाने की तैयारी। कैसर भाई कैसा लग रहा है? ये देखो मिस्त्री हैं, इतने कम उम्र में एक नंबर की कला है, तो बनने के बाद अगर आप देखिएगा तो इकराम नगर का कुछ, अगर आपको स्कूल से ठीक पश्चिम साइड आएंगे तो हमारा ये एरिया है, और ये कुछ बिल्डिंग है, फ्लैट है, और हमारे इधर एक नई गाड़ी है, इनकी किराने की दुकान है। यहाँ पे एक फ्रिज है, जैसे कि सामान के साथ प्लास्टिक फ्रिज, और चॉकलेट के साथ जो है आतिफ फ्रिज। तो आतिफ कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? को लेके चलते अतार भाई की दुकान की तरफ। ये हमारे अतार भाई है, हमारे गोलू भाई, मिस्टर गोलू भाई, और ये हमारे चाचा, और ये हमारे साहब, इनकी कबाड़ की दुकान है। कबाड़ा कैसे रुपए किलो? वो संपर्क करें, मोबाइल नंबर बोलिए 79054-26036। आज हम मंटू भाई, आप देख रहे हैं मंटू भाई को, ये सब देखो पावा। तब भाई साहब को नंबर है नहीं मालूम, जब बेइज्जती है इनको नंबर ही नहीं पता है। गजब बेइज्जती, आप ये नहीं जानते जो है कि हमारे बिलरिया सबसे मशहूर कार्यक्रम, लेकिन इनको कुछ ही नहीं पता, खाली घर से मतलब। अब हम लोग लेलेगंज की मेन मार्केट में आ गए हैं, ये बगल में आप ये हॉस्पिटल देख रहे हैं, और यहाँ पे बगल में ये हॉस्पिटल है। आज काफ़ी मार्केट थोड़ा सा स्लो दिख रही है, क्योंकि अभी पूरे दिन बरसात चल रही है, अभी कुछ देर पहले धूप निकली है। धूप निकलने की वजह से आपको मार्केट में कुछ रौनक थोड़ी बहुत दिखेगी, लेकिन जितनी रहनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी है। अब हम लोग लेलेगंज के चौक पर पहुँचने वाले हैं, ये हमारा चौक है। अब चौक से ठीक हम पूरब की तरफ यानी राइट की तरफ जाएंगे, तो पूरब की तरफ घूम गए हैं होते हुए, अब जैनपुर वाले रोड की तरफ जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराएंगे पहले, फिर उसके बाद खाएंगे। तो अभी 100 रुपये का पेट्रोल लगाएंगे, देखते हैं 1 लीटर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ले भैया 1 लीटर पूरा कह दिया। अच्छा भैया 100 रुपये में टंकी फुल हो जाएगी ना ना भैया? तो कहते हैं भाई भैया की दिलदारी, तो मीटर चल रहा है। ये 100 रुपया पूरा, और 1 लीटर कहाँ लिखा है? अच्छा 1 लीटर हो गो, क्या बात, नेट 100 रुपये में 1 लीटर। पेट्रोल पंप के बगल से जब रास्ते से अंदर निकल जाते हैं तो कुछ इस तरह से आएंगे, तो गांव का एरिया पूरा स्टार्ट हो गया है, खेतों में इतना पानी है भैया कि आप मछली मार सकते हैं। पहले एक ज़माना था जब मछली मारने के लिए
ताल पोखरा या नदी पे जाते थे, अब घर के बाहर ही बैठ के मार लेते तो भाई पानी इधर से यहाँ पर है। फाइनली हम लोग बलेरियागंज मेन मार्केट में आ गए हैं यहाँ पर, जिसमें हमारी बहुत ही पुरानी फेमस मार्केट है, ये पुरानी चेयरमैन की ऑफिस, और यहाँ पे हमारी बलेरियागंज की मार्केट रखी थी, नई मार्केट के लिए आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग मेन मार्केट में पहुँच गए हैं। तो लुकमान भाई हेयर कटिंग स्पेशलिस्ट, ये बलेरियागंज लगाए हैं और बच्चे लोग खुद हैं। कल मरवाओ तो बच्चे लोग बेचारे कूद रहे हैं। ये हाँ देख बहुत जबरदस्त लगे खाए, देख मर तो अरे यार बच्चे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चे लोग पूरे फुल मस्ती में हैं। कुछ देखो पलटी मार, हाँ कल्टे मार, हाँ हाँ जबरदस्त एक नंबर। हाँ पिछलका वाला मार। और ये हमारे प्लम्बर की टीम यहाँ पे मिल गई, कामरान भाई, अरिंदर भाई और ठीक ठाक बत्ती ले गए अपने फिराक से। वाह सारी मोहल्ला जल गए एक ही फिराक से। वाह ये हुस्ने जवानी का तराना न रहेगा, जो आज हो कल जमाना तो रहेगा। चलते चलते मंदिर का पता मिल जाएगा, आज नौसाद अली मीरा कल खुदा भी मिल जाएगा। आज हम सस्ते गालिब से मुलाकात कराते हैं। हाँ भाई और एक और कहा ये कह रही तू कब तक छुपे हुई पक्षी के आड़ में, आए एक दिन तो छुप के गिर जाए उस कारण। मेरा नाम मोहम्मद है, एक कड़वा है एक का सिक्का है, इसको मैं गायब करना चाहता हूँ, दो बार दिखाऊंगा तीसरे बार में गायब हो जाएगा। सिक्का बताना किसमें है, किसमें है किसमें नहीं है। उन्हें मैं सिक्का मना है, मैं एक नंबर और दूसरा नंबर एक बार और बता दे रहे ठीक है। टू राइट कोने में है, हिमना है हिम्मे, अब देखो ये गायब हो जाएगा, कहाँ जाएगा मोबाइल के जेब में, खो फूक दो, थूकना मत, अरे फूक में चल राइट खो फूक फूक में एक रुपया खा गवा, एक रुपया खा गवा कहा है मट्टी, वही से फुका देंगे रुपया आ जाएगी, फूक देंगे जैसे आप मुझे बताओ कि जैसे मुंबई में और यहाँ की लाइफ स्टाइल में क्या मेजर फर्क दिखा। मुंबई और यहाँ में जैसे मुंबई में बहुत भगदड़ है भगदड़, और मतलब जैसे रश लाइफ है, और यहाँ पे गांव की जो लाइफ है बहुत सुकून वाली है। तो गांव की क्या बुरी चीज़ है जो मुंबई की अच्छी चीज़ है भाई? जैसे एक ये है कि अगर कोई इंसान हैबिचुअल है रश में सिटी लाइफ के, तो उसको गाँव में डल सा फील होगा कि यहाँ पे हैपनिंग कुछ नहीं होता कुछ, तो मतलब हर एक चीज एकदम आराम से बहुत एकदम एक सिंपल मोनोटोनस लाइफ रहती है, और शहर में जबकि आपको मतलब बहुत अलग अलग तरह के रंग रूप दिखते हैं, और मतलब इंसान हर दिन एक अलग अलग तरीके का रहता है, वो चीज़ गांव में आपको देखने को नहीं मिलेगी उतनी। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी, बेरोजगारी जो है वो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो अक्सर देखेंगे तो यूथ जो है वो घर पे बैठे हैं, और मेजर पोर्शन जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है, तो शहर में कहीं ना कहीं लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, तो वो एक कल्चर आता है जब इंसान को अपने आप में, जब इंसान के सरपरस्त लोग जो हैं वो अगर ये कल्चर लेके आए कि यहाँ पे भी रोजगार और ये चीज़ है, तो गांव से बेहतर शहर नहीं है। जैसे एक टर्म हम अपने दौर में इंजीनियरिंग के दौर में यूज़ करते थे स्मार्ट विलेजेस, तो स्मार्ट विलेजेस एक कंसेप्ट हमारा हुआ करता था, हम लोग प्रोजेक्ट बनाया करते थे कि स्मार्ट विलेजेस कैसे बनाएंगे, तो वो स्मार्ट विलेजेस तभी बन पाएगा जब लोग
विलेज के जो है डेवलप कर जाएंगे, वो स्मार्ट होंगे। जब लोग स्मार्ट होंगे तो विलेज स्मार्ट होगा। तो लोगों में वो अवेयरनेस रहनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी पिछली पीढ़ी नहीं कर पाई, क्योंकि पिछली पीढ़ी के पास वो रिसोर्सेज नहीं थी। आज के टाइम में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप लर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन। तो उसमें आप विलेज में आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो, आप पूरे एक विलेज को अकेले स्मार्ट नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप उसका एक कोई हिस्सा हो तो भी वो एक तरह से डेवलपमेंट की ओर पे आगे बढ़ेगा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि यूथ में अवेयरनेस रहनी चाहिए, कि यूथ जो अपने वक्त ज़ाया करते हैं सोशल मीडिया और इधर उधर से, उससे बेहतर वो अगर उसको चैनलाइज करें अपने टाइम को कुछ नया लर्निंग में, और जो आप लर्न कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें किसी चीज़ पे, और तो जाहिर सी बात है रिजल्ट्स मिलेंगे और गांव की और तरक्की होगी। जैसे हमको हम तो गांव के ही हैं, तो हम शहर में भी घूमे हैं, हम गांव में भी घूमे हैं, और घूमने का जो मज़ा गांव में है वो शहर में नहीं है। शहर में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपसे मिले, आपसे हालचाल पूछे कि आप कैसे हैं, तो वो चीज़ गांव में है। जैसे गांव में लोग ज़्यादा खुश हैं, शहर में इनसे 4-5 गुना 10 गुना ज़्यादा कमाते हुए लोग भी परेशान हैं, खुश नहीं है। वो किसी न किसी में उनको और है कि हमारे पास आज होंडा है तो कल ऑडी क्यों नहीं हो जाए। और यहाँ पे लोग जो है उसी में खुश है, उसी में खुश है। चीज़ है कि अगर गांव में लोगों को वो चीज़ का एहसास हो जाए कि ये हमारे पास जो चीज़ है वो चीज़ के लिए लोग शहर में तरसते हैं, तो उनको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि भाई हम भी कम नहीं है। सही बात। और जाहिर सी बात है जो सुकून आपको गांव में है वो शहर में भी, शहर में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फाइनली पूरा एरिया घूमते हुए मैं अपने घर पे आ गया हूँ। ये है समरा भाई, ये हमारे अब्दुल रहमान भाई। बस थोड़ा सा बोल दे, हो जाए बोल ना। तो बड़े लंबे टूर से देखो भाई लोग आ गए हैं। तो अब वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। दरियागंज का सफर शुरू हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी खत्म हुआ। तो हम आपको अब दो शायर सुनाते हैं। एक शायर ये है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। जैसे निकलते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती, निकलते हैं आंसू जब मुलाकात नहीं होती, तड़पता है दिल जब बात नहीं होती। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। होती। और एक शायर ये है कि क्या कहूँ क्या कहूँ कि आरजू क्या है तेरी, क्या कहूँ कि आरजू क्या है तेरी, आरजू सबसे जुदा है तेरी, मतलब ही मुझको समझने वाले, सीधी सादी सी अदा है तेरी, तेरे कदमों पे मेरा दम निकले, मेरे साजन ये दुआ है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।